नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी आजमी और आप देख रहे हैं जनवाद टाइम्स सच के साथ एक कदम। एनआरसी और सीसीए के खिलाफ फारन बीसगंज में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद पप्पू यादव जी ने लोगों से अपील की, बिहार में ऐसे देश विरोधी कानून हम लागू नहीं होने देंगे। उन्होंने लोगों को संकल्पित दिया कि वे नागरिकता का कोई दस्तावेज जमा नहीं करेंगे। ऐसे ही खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनवाद टाइम सच के साथ एक कदम। और मानवता और इंसानियत के निर्माण में जिसकी भूमिका थी, जिन्होंने कुर्बानी दी, जिन्होंने दुनिया बनाने में कुर्बानी दी, ये भीड़ वैसे लोगों की है जो इंसानियत के पैगाम के लिए खड़ी है। यहाँ जो बुजुर्ग हैं, जो देवतुल्य हैं, ईश्वरतुल्य हैं, यहाँ जो कर्मी और क्रांति नायक हैं, छात्र नायक हैं, जो यहाँ दूर दराज खड़ी है, जो हिंदू और मुसलमान दोनों की तरफ हम सुनिए, ये लड़ाई की हिंदू नहीं है। मैं आपको बता दूंगा एक एक लड़ाई के बारे में, ये सवाल ही नहीं है। इस भीड़ में 10,000 से ऊपर हमारे हिंदू समाज के नौजवान और लोग हैं जो एक थाली में, एक महीने से जो लड़ाई लड़ी जा रही है इस देश में मुसलमानों की सर पर नहीं कर दिल्ली में। मुसलमान भाई अपने अधिकार के लिए सीमा में लाके लड़ रहे थे, लेकिन सड़कों पर जब रात में परसों 3 दिन पहले जब रात में हम पुलिस हेडक्वार्टर के आगे बैठे थे, वहां डीयू के बच्चे थे, वहां जेएनयू का बच्चा था, वहां चंद्रशेखर था, वहां पप्पू यादव थे, वहां देश के वो लोग थे जो इस देश की वसुधैव कुटुंबकम सर्वधर्म समूह